अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप? वालेकुम अस्सलाम। आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? बहुत देर ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बाकी सब कहाँ हैं? उमर किसी दोस्त के साथ बाहर गया है और सवेरा और निम्रा दूसरे कमरे में बैठी मोबाइल पर कोई रेडियो शो सुन रही हैं। जब से सवेरा ने मोबाइल चलाना सीखा है वो काफी खुश और मसरूफ रहने लगी है। हाँ, ये बात मैंने भी महसूस की है, उसमें काफी मजबूत तब्दीली वाकिया हुई है। चले आप मुंह हाथ धो लें, मैं खाना लगाती हूँ। आप शुरू करें, मैं उन दोनों को बुला के लाती हूँ। सवेरा निम्रा चलो खाना खा लो। अम्मी बस दो मिनट, शो बस खत्म ही होने वाला है। बेटा खाना तो खा लो, फिर सुनती रहना। अम्मी दो मिनट रुके, अभी आते हैं। बेटा खाना ठंडा हो जाएगा। और सवेरा तुम्हारे पापा से इंस्टीट्यूट की बात भी तो करनी है, इसीलिए जल्दी आ जाओ। ओ हाँ, वो तो जरूर करनी है। Everything is present. आपी शो तो पूरा होने देती। ये सुबह के टाइम रिपीट होगा, उस वक्त सुन लेंगे। अभी चलो, मुझे पापा से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। अभी मैं आपका ही पूछ रहा था, पता चला कि आप रेडियो सुन रही हैं। हाँ पापा, बहुत ही मजे का शो था। और आपको पता है मेरा कमेंट भी इसमें शामिल किया गया था, सुन के बहुत मजा आया। नई सुबह का रेडियो चैनल कमाल का है, बहुत इन्फॉर्मेटिव शोज आते हैं उस पर। पापा मुझे आपसे एक और बात भी करनी थी। हाँ बेटा बोले। पर पहले आप वादा करें कि आप मेरी बात मानेंगे। सवेरा बेटा पहले खाना तो खा लो। पहले मैं पापा से बात करना चाहती हूँ। अच्छा भाई बोले, क्या बात है? वो पापा, नई सुबह के बारे में मैंने आपको बताया था ना? हाँ आपने काफी बार नई सुबह के बारे में बताया है। पापा वहाँ पर बसारत से महरूम अफराद को बहुत सारे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। मुझे वहाँ पर कंप्यूटर और कुकिंग सीखने जाना है, आप मुझे जाने देंगे ना? सवेरा बेटा मुझे आपके जाने पे तो कोई एतराज नहीं, पर आप वहाँ पे मैनेज कैसे करेंगे? पापा नई सुबह की जानिब से पिक एंड ड्रॉप दी जाएगी, और वहाँ और भी तो बहुत से बसारत से महरूम अफराद होंगे। मैं अपने जैसे लोगों से मिलना चाहती हूँ, नई चीजें सीखना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे इनरोल करने दें। अच्छा आप पहले खाना तो खाएं, ठंडा हो रहा है। नहीं पापा, पहले आप परमिशन दें फिर ही खाऊंगी। अच्छा भाई ठीक है, कर लेना इनरोल। आप खुश? चलो आप खाना खाओ। थैंक यू पापा। तो अगर बात तुमने खुद ही करनी थी तो फिर मेरा सर क्यों खाया था? अस्सलाम वालेकुम, आर्यन स्पीकिंग। जी मैं सवेरा बोल रही हूँ। जी सवेरा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो मैं नई सुबह में कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, मैंने घर बात कर ली है। नाइस, बहुत अच्छे। अच्छा मैं आपको एक नंबर सेंड करता हूँ, आप उस पर एडमिन से राब्ता कायम कर लें,
वो आपको तमाम तरह डिटेल्स बता देंगी कि आपको इनरोल करने के लिए क्या करना है। जी ठीक है, थैंक यू। बेटा एहतियात से जाना और मुझे फोन करके इन्फॉर्म करती रहना। आंटी आप फिक्र न करें, हम सब सवेरा का ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, मेरा नाम मरियम है। मैं नई सुबह में अबीर डिपार्टमेंट के लिए काम करती हूँ। अबीर क्या है? ये भी हमारा एक डिपार्टमेंट है। इसमें हम मुख्तलिफ तरह की चीजें हाथ से बनाना सिखाते हैं, जैसे कि ज्वेलरी, हैंडबैग्स, क्रोएशिया से बनी हुई चीजें। क्या इन चीजों को बनाना बसारत से महरूम अफराद को भी सिखाया जाता है? बिल्कुल, इन चीजों को विजुअली इम्पेयर्ड ही बनाते हैं। नई सुबह का मकसद ही विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को हुनरमंद बनाना और उनके हुनर को बरूए कार लाना है। वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे आपने किस कोर्स के लिए इनरोल किया है? मैंने कंप्यूटर और कुकिंग कोर्स में इनरोल किया है। सही, गुड लक। मैं आपको आपकी क्लास तक छोड़ दूंगी और आपके टीचर से भी आपको मिलवा दूंगी। आपको किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। हमारा रूट सेम है, इसलिए मैं आपके साथ ही वैन में आया जाया करूंगी। लो हम पहुंच गए, चलो मैं आपको अंदर ले चलती हूँ।